मेरा नाम डॉक्टर खान है, मैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हूँ। मैं 5 दिन पहले सर के पास में आया था। सर का मैंने एक्चुअली नेट से नाम निकाला था, काफ़ी सुना भी था सर के बारे में, तो मैं आया सर के पास में। तो 5 दिन पहले मैं लगा के गया था, अभी मुझे थोड़ा सा स्कैल्प का कुछ तो इरिटेशन हुआ, तो आज सर के पास में आया। सर ने प्रॉब्लम भी सारा सॉल्व कर दिया और हेयर स्टाइल भी चेंज किया, काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। ऑलरेडी सर हमारे पास काफ़ी डॉक्टर्स हैं, हमारे पास टाइम्स है, तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा, ट्रांसप्लांट में और उसमें क्या बेटर, आपको क्या बेटर लगता है? सर मुझे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि इसमें दो चीज़ है, एक तो आप अपने हिसाब से इसको कभी भी चेंज भी कर सकते हैं पहला, दूसरी बात क्या है, रिप्लेसमेंट में क्या है, बहुत सारे साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, जैसे स्किन इन्फेक्शन हुआ, इरिटेशन हुआ, स्कल किसी को सूट करता नहीं करता है, किसी को पस पड़ जाता है, इसमें वो ऐसा कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, इसका जीरो साइड इफेक्ट है। हाँ कभी कभी किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, तो ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो किसी को भी हो सकता है, ये तो हम लोग वैसे ही खुजा लेते तो स्किन प्रॉब्लम जाता है। पर ये रिप्लेसमेंट की जगह पे, ट्रांसप्लांट की जगह पे ये पैच बहुत बेस्ट है, ट्रांसप्लांट से बहुत बेस्ट है जी। हमारे पास भी कई लोग यहाँ पे पूछने आते हैं कि हम लोग क्या करें, ट्रांसप्लांट कराएं या पैच लगाएं। मैं तो सर पैच ही, तो मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप ट्रांसप्लांट कराएंगे तो आपको डेंसिटी तो कभी नहीं मिलने वाली, बिल्कुल। और यहाँ पे जो पैच में आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब के, जो पैच में जो डेंसिटी मिल रहा है, तो लुक जो है डेंसिटी से ही आता है, एज का जो डिफरेंस है वो डेंसिटी से आता है। अगर आप बहुत पतले पतले बाल लगा लेंगे और बहुत ऊपर से बालों की कमी होने की वजह से कह रहे थे, बहुत ऊपर से स्टार्ट करते हैं और बहुत दूर दूर बाल लगाते हैं, तो एकदम हॉट भी दिखते हैं और वो डेंसिटी भी नहीं आती और लुक भी नहीं आता। काफ़ी लोगों ने खर्चा करके 1-1 लाख रुपया वेस्ट करने के बाद में हमसे कराया, तो यहाँ पर उनको सेटिस्फेक्शन